नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर की लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालूचक भट्टा के समीप एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत मनीष कुमार घोष की पहले से घात लगाकर बैठे अज्ञात अपराधियों ने सोमवार की शाम गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि युवक को गोली मारने के बाद परिजन और स्थानीय लोगों द्वारा उसे आनंद फानंद में इलाज के लिए मायगन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद मृतक की नवविवाहिता और परिजनों के बीच कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची लोदीपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जबकि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन घटनास्थल के आसपास लगे कई कैमरे जांच के दौरान खराब पाए गए। हालांकि घटना के 24 घंटे के भीतर त्वरित कार्रवाई करते हुए भागलपुर पुलिस ने मृतक अकाउंटेंट मनीष कुमार घोष को गोली मारने के मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। इसे मंगलवार की सुबह जदयू नेत्री से राज्यसभा की पूर्व सांसद कहकशां परवीन भी मृतक मनीष कुमार घोष के लालूचक भट्टा स्थित घर पर पहुंची। मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाकर पुलिस द्वारा जल्द ही मनीष के हत्यारों की गिरफ्तारी किए जाने का आश्वासन स्थानीय लोगों को दिया। कहकशां परवीन ने कहा कि विगत 17 अप्रैल को अधिवक्ता सुभाष चंद्र घोष के पुत्र मनीष घोष की शादी भागलपुर के गुरुद्वारा रोड निवासी रीना कुमारी बोस राय से हुई थी, जिसमें शामिल होकर उन्होंने भी नवविवाहिता जोड़े को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन दुल्हन के हाथ की मेहंदी का रंग फीका होने से पहले अपराधियों ने उसका सुहाग और माथे का सिंदूर मिटा दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतक मनीष कुमार अपने कार्यालय से घर लौट रहा था, तभी घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर भागलपुर SSP का कहना है कि मनीष घोष हत्याकांड में 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई है, जिससे पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और इस हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर मनीष जिस फर्म में काम करता था उसके मालिक कौशल सिंह ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से मनीष कुमार घोष उसके यहाँ अकाउंटेंट के पद पर काम कर रहा था और वह काफ़ी ईमानदार और शांत स्वभाव का था, जिसका कभी भी किसी से कोई विवाद भी नहीं हुआ, लेकिन बदमाशों ने कानून को चुनौती देते हुए गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि आए दिन होने वाली इस तरह की आपराधिक वारदात और महज 15 दिनों पहले जिस घर में शहनाइयां बज रही थी वहां छाए इस मातम के लिए जिम्मेदार कौन है, बताइएगा कैसे घटना हुई? ऑफिस से घर लौट रहा था, इसी क्रम में घटना हुआ है। बाहर कोई दुश्मनी नहीं है, जो भी दुश्मनी होगा ऑफिस से ही इसका किसी से। क्या कारोबार करते थे? अकाउंटेंट। किस विभाग? वो एक धर्मकांटा ऑफिस है शर्मसपुर में, वहीं पर काम करते थे। अज्ञात लोगों ने मारी है? बोले अज्ञात लोग ने, कोई उसका दुश्मनी नहीं था, लगता है कि ऑफिस से कहीं सेटिंग किया गया। अब कौन है वो तो मैं नहीं जानता हूँ। ये लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम मनीष कुमार घोष। आपका नाम? सुभाष चंद्र घोष, उनके पिता हूँ। अच्छा, काम कर रहा था, ऐसा कभी गलती हुआ नहीं, आज ऐसा क्यों हुआ? क्या बिहार में यही रह गया क्या कि कोई किसी का जिंदगी कोई वैल्यू नहीं रह गया क्या? बताइए, इंसानियत कोई चीज के नाम की चीज है? आप ही बताइए सर। कैसे? हमको नहीं पता, मेरा अकाउंटेंट था, मेरे पास 8 साल से काम कर रहा था और एकदम सज्जन आदमी है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, इतना भला आदमी था जिसका वर्णन नहीं। चार दिन उसकी शादी के पहले हम गए भी, सब कुछ किए, क्या लगा आज ऐसा जो हुआ इसका वर्णन कौन देगा? क्या सरकार ये रह गई? क्या इंसानियत ये रह गई? की पहचान हो पाई अब तक? अपराधी की पहचान अगर होती सर मैं आपको जवाब देता। अरे मैं खुद जा रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ कैमरे के सामने, हम सारा चीज अगर मिल गया उसका जवाब मैं खुद दूंगा अपने आप। क्या नाम? भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन पर चढ़ने के लिए रेलवे ट्रक क्रॉसिंग करने के दौरान एक व्यक्ति की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। दरअसल भागलपुर जयनगर अब ट्रेन आने के क्रम में ही अज्ञात व्यक्ति पटरी क्रॉस कर रहा था, तभी ट्रेन की चपेट में उसकी मौत हो गई। वहीं इसके बाद घटनास्थल पर RPF और GRP की टीम ने पहुंचकर अज्ञात घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद GRP पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन एटक सीटू एक्टू और AIUTUC की ओर से भागलपुर में संयुक्त रूप से सभा कर जुलूस निकाला गया। इस दौरान एटक एक्टू सीटू AIUTUC से संबंध यूनियन के नेता और कार्यकर्ताओं ने शहर के घंटाघर चौक से स्टेशन चौक स्थित अम्बेडकर स्मारक तक जुलूस निकाल कर जमकर नारेबाजी की। जुलूस का नेतृत्व एटक महासचिव डॉक्टर सुधीर शर्मा, सीटू के दशरथ प्रसाद, एक्टू के विष्णु कुमार मंडल और AIUTUC के रोशन कुमार रवि ने किया। इससे पूर्व ट्रेड यूनियन नेताओं ने घंटाघर चौक पर नुक्कड़ सभा कर सरकार द्वारा मजदूरों के अधिकार पर हमला करने की बात कही गई। वहीं सभा को संबोधित करते हुए ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर वो सभी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष का संकल्प ले रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को कॉरपोरेट घरानों का समर्थक और मजदूर विरोधी नीति धड़ल्ले से लागू करने वाला बताया। मौके पर AIBA के अरविंद रामा, नकुल रजक, एटक के BN द्विवेदी, मनोहर शर्मा, मोहम्मद मुस्ताक समेत विभिन्न मजदूर यूनियन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। सुल्तानगंज चौक बाजार में इन दिनों लोगों को लगातार जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि बाईपास रोड में पाइपलाइन बिछाने का कार्य युद्ध स्तर से किया जा रहा है, जिसके कारण सुल्तानगंज चौक बाजार में पिछले चार दिनों से भीषण जाम लग रहा है। जाम का आलम यह है कि आम राहगीरों के साथ यात्री वाहन के अलावा मरीजों को लेकर जाने वाले एम्बुलेंस को भी सड़क जाम में काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा आवागमन के रूट को बदल दिया जाए तो लोगों को सड़क जाम की समस्या से राहत मिल सकती है। ग्रामीणों ने कहा कि अकबरनगर एवं अब्जुगंज से रूट चेंज कर देवघर और मुंगेर जाने की व्यवस्था करने से तत्काल इस मार्ग पर सड़क जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। साथ ही कहा कि बाईपास रोड में पाइपलाइन का कार्य चलने वाली जगह पर बैरियर लगाकर कार्य को युद्ध स्तर पर कराया जाना चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटना के साथ जाम की भी समस्या का काफी हद तक निदान संभव है। 15-20 मिनट कोई भी यहाँ पे अधिकारी आया जाम तो आज ही जाम है कि डेली जाम रहता है? डेली जाम और डेली का जाम है। कितना रहता है? कितना दिन से जाम रहता है यहाँ? परेशानी हो रही है। विश्व मजदूर दिवस को लेकर भारत समेत विभिन्न देशों में मजदूरों के सम्मान में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में भागलपुर के पिपैती हरिनकोल पंचायत के मुखिया दीपक सिंह ने सैकड़ों महिला मजदूरों को सम्मान स्वरूप साड़ी वितरण कर मजदूर दिवस की बधाई दी। वहीं इसको लेकर मुखिया दीपक सिंह ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की में मजदूरों का योगदान महत्वपूर्ण होता है और हम सभी को सभी मजदूरों का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बिहार
सरकार के सभी मंत्रियों से भी अपील करते हुए कहा कि बिहार में उद्योग धंधे को स्थापित कर उसका विस्तार किया जाए, जिससे बिहार के मजदूरों का पलायन दूसरे देशों या राज्यों में कम हो सके। मजदूर दिवस मजदूरों के सम्मान में विश्व में मनाया जाता है। मजदूर किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, उसके विकास में मजदूरों की अहम भूमिका है, अहम ही नहीं शीर्ष भूमिका है। और हर वर्ष में मजदूरों मजदूर दिवस पर मजदूरों को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भेंट करता हूँ, इस हर साल की तरह इस साल भी। पिछले साल भी मैंने इस तरह से मजदूरों को अंगवस्त्र का भेंट किया था। उसके पहले कई मजदूरों को मकान बनाने में सीमेंट बांटकर सहयोग किया था, और इस वर्ष भी करीब 125 मजदूर माताओं को साड़ियां भेंट की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।